नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कलम के वो जादूगर हैं शांति स्वरूप बौद्ध, जिन्होंने ढेरों सारी किताबें, हजारों लाखों किताबें लिखी हैं, पढ़ी हैं और हमेशा उनको वितरित भी करते रहते हैं, शांति स्वरूप बौद्ध जी। शांति स्वरूप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शांति स्वरूप जी, आप एक बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, अधिकतर सारी किताबें आपकी बहुजन समाज से प्रेरित होती हैं, लेकिन बाबा साहब की अगर हम लोग बात करें तो बाबा साहब हमेशा सूटेड बूटेड तरीके से देखे जाते रहे हैं और बताया जाता है कि उन्होंने अपना जो जीवन है बहुत वो संघर्ष में पूर्ण बिताया है, तो उसके बारे में क्या आप बोलेंगे वो बताइए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, वो इसलिए कि जो उन्होंने सूट बूट पहनने का निर्णय लिया उसके पीछे उनको कितनी बड़ी संघर्ष यात्रा करनी पड़ी, कितने उनको जुल्म सहने पड़े और उन आतताइयों को ये सबक देने के लिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, तुम हमको रुलाना चाहोगे हम तुमको मुस्करा कर दिखाएंगे, तुम हमें लंगोटा पहनाना सिखाओगे, हम दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रेस पहन करके दिखाएंगे, उसके पीछे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का यही संदेश था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जुल्मों की कहानी जब याद करते हैं तो कलेजा बू को आता है, उनके बचपन के समय से लेकर और उनके जीवन के अंतिम समय तक कहाँ किस मोड़ पर उनको अपमानित, उनको जलील नहीं किया गया, किस कारण, कोई वो चरित्रहीन थे नहीं, कोई उनके चरित्र में कमी थी नहीं, क्या वो मूर्ख थे नहीं, मगर फिर क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उनको अपमानित होना पड़ा उनको उनकी जाति के कारण। एक ऐसी विशेष जाति में पैदा हो गए कि जिसको समाप्त करना ही, जिसका मनोबल गिरा के रखना ही, जिनको बांट के रखना ही उन्होंने अपने शासन की गारंटी का एक आधार बनाया, तो उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भी जब देखा कि ये तो स्कूल में जाने लगा तो उसको अपमानित करने का काम किया। कैसे अपमानित किया कि जहाँ बच्चों के जूते रखे जाते थे बाहर कमरे के बाहर, उनको कहा तुम यहाँ बैठोगे, वो दोनों भाई वहाँ बैठते थे और बाकी सारे बच्चे अंदर बैठ के पढ़ते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब बचपन में भीमा जिनको कहते थे, वो इसलिए ऐसा व्यवहार किया कि टीचर सोचते थे कि कच्ची मिट्टी का बना है, हम इनको प्रताड़ित करेंगे अपमानित करेंगे तो ये घर जाकर बैठ जाएगा, बाद में पढ़ लिख कर हमारा जैसा नहीं बनेगा, ये उनकी विचारधारा थी। मगर धन्य है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जूतों में बैठना स्वीकार किया, मगर उन्होंने कभी भी झुकना या रुकना स्वीकार नहीं किया। एक बार स्कूल में भोजन ब्लैक बोर्ड के पीछे सब रखते थे, बाबा साहब तो घर से ही खा के आते थे, या रास्ते में बेर वगैरह कोई जो वृक्ष पड़ते थे उनका कुछ खा लिया, नहीं तो प्यासे और भूखे रहते थे। उन्हें एक दिन टीचर ने सवाल पूछा, मैथ का सवाल, तो जितने भी अंदर टाट पर बैठने वाले लोग थे सारे के सारे निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं दे पाए, मगर एक वो व्यक्ति जिसे कभी टाट सरकारी टाट नसीब नहीं हुआ, जो अपना टाइट भी अपने घर से लेके आता था और जूतों में बैठता था, उसने वहीं से खड़ा होकर के कहा कि इसका उत्तर मैं दूंगा। उसने कहा आइए लिखिए। अब जो ही वो उत्तर देने के लिए अपने कक्षा में घुसे, क्लासरूम में घुसे, तो ही बच्चों में भगदड़ मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि उनका भोजन ड्राइंग बोर्ड के पीछे रखा था। उन्होंने कहा ये ढेर यहाँ बोर्ड पर आएगा और हमारे भोजन पर उसकी परछाई पड़ेगी तो हमारा तो भोजन अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो इसलिए वो भागे। तो ये भी एक प्रकार से छूतछात एक मानसिक प्रताड़ना का माध्यम है, तो उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। हुआ क्या कि एक बार डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अपने टीचर से कि गुरुजी मैं संस्कृत पढ़ूंगा। कहले कि तू संस्कृत पढ़ के क्या करेगा? अरे तू संस्कृत पढ़ के क्या करेगा, तू वही काम करेगा ना जो तेरे घर में तेरे आस पड़ोस में हो रहा है, वही तो काम करेगा ना तू। उन्हें गुस्सा आ गया, यद्यपि उनको पता था गुस्सा तुझे तेरे को भारी पड़ सकता है, मगर धीर विपरीत परिणाम का कुछ नहीं देखते। उन्होंने कहा कि मास्टर जी आपने मुझे संस्कृत पढ़ानी है पढ़ाओ, नहीं पढ़ानी है मत पढ़ाओ, मगर ये कभी कहने की हिम्मत मत करना कि तू ये पढ़ करके क्या करेगा। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बचपन ही इस तरीके के जवाब दे सकता था। बाबा साहब को क्या ना झेलना पड़ा बचपन में। एक दिन स्कूल के लिए चले, जो जो घर से बाहर निकले बादल उमड़ घुमड़ कर छाने लगे, देखते देखते वो बरसने लगे, एक दीवार के साथ खड़े हो गए, उसके ऊपर छजली पड़ी थी कि पानी नहीं पड़ेगा तुझ पर। उधर जो गृह स्वामिनी थी उसे कुछ आभास हुआ, खिड़की में से देख करके कोई ढेर बच्चा
कोई छोटी जात का बच्चा तेरे दीवार के कब्रे की दीवार से कब्र सटा के खड़ा है, वो तुरंत बाहर आई और वो ये भी भूल गई कि तू भीगेगी या नहीं भीगेगी। उसने डॉक्टर अम्बेडकर को धक्का दे करके सड़क पर फेंक दिया, डॉक्टर अम्बेडकर खुद भी भीग गए, उनकी किताबें भी भीग गई। कितना जुल्म, कितना अत्याचार। पानी कहते हैं प्रकृति प्रदत्त वरदान है, हवा कहते हैं ये प्रकृति प्रदत्त वरदान है, धूप को कहते हैं ये प्रकृति प्रदत्त इनाम है, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में पानी पर भी पहरा था। वो जब अपने स्कूल में जाते थे और प्यासे होते थे, उनको कोई पानी देने को तैयार ना होता था। एक चपरासी था, अगर वो दूर गया है, अगर किसी वजह से वहाँ नहीं है तो नल के पास खड़े रहेंगे, पानी को हाथ नहीं लगा सकते थे, अगर हाथ लगा दिया तो मार मार के उनके खार उधेड़ दी जाती थी, ये उनकी स्थिति थी। एक बार उनके बाबा साहब के पिताजी ने एक उनको ठेका मिला तालाब के बनाने का रिटायरमेंट के बाद, दापोली स्टेशन पर उनको बुलाया, तुम्हें आ जाना और मैं तुमको ले जाऊँगा। बाबा साहब ने, अंबेडकर ने, भीमराव ने पत्र लिखा अपने बाप के नाम कि हम इतने बजे फला गाड़ी से फला दिन पहुंच रहे हैं। अब वो लेटर बाबा उनके पिताजी को रामजीराव को मिला नहीं, वो अपने काम में जुटे रहे। बच्चे स्टेशन पर पहुंच गए, स्टेशन पहुंच गए तो वहाँ दिन भी छिपने को आया, कोई उनको लेने नहीं आया। स्टेशन मास्टर को दया आई, कहने यार ये बच्चे सुंदर सुंदर बच्चे हैं, उनके कपड़े नए पहन रखे थे, उनको अंदाज़ा नहीं लगा कि ढेड़ के बच्चे हैं, महार के बच्चे हैं। तो उसने कहा कि भाई अब ऐसा है, तुम क्या करोगे, यहाँ तो ठहरने की जगह है नहीं, तो अब एक काम करो कि कोई गाड़ी करके निकल जाओ, वहाँ से कोई नहीं आएगा। उन्होंने गाड़ी की, एक गाड़ी से बात की, मना कर दिया, दूसरे से की मना कर दिया, तीसरे से की मना कर दिया। ये जाति का दंश देखो कि वो गाड़ी वाला जिसे भीम राव ने और उसके भाई आनंद राव ने कहा कि हम तुम्हें डबल पैसे देंगे, तो वो जाति वाति को भूल गया, कह लगे मुँह में पानी आ गया, पैसे आएंगे, डबल पैसे आएंगे, जो कि चल तू मेरे साथ चलेगा मगर गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, मुझे तो पैसा चाहिए, तुम गाड़ी तुम ही चलाना। तो इस तरीके के बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन से ये जो सारे अत्याचार झेलने पड़े, ये एक इतिहास है भारतवर्ष के। इस बहुजन समाज के बच्चों को याद रखना है कि तुम्हारे बदन पर ये जो सुंदर सुंदर कपड़े आए हैं, तुम्हारे पैदा होते तुम्हारे बदन के नीचे कार आ जाती है, बाइक आ जाती है, तुम अब एयर कंडीशन कमरों में रहते हो, और हमारे समाज के भोंदू माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि हम एक झोंपड़े में रहते थे और बारिश के दिनों में वो झोंपड़ा टपकता था सारी रात, हम उन पानी से बचने के लिए कभी इधर लेटते थे कभी उधर लेटते थे। अगर कोई इस तरीके की बात करता है तो वो बाप हमारे मुँह पर हाथ रख कर कहता ना मेरे बच्चों का हौसला मत गिराना, इनका मनोबल मत गिराना, उसका दुष्परिणाम क्या होता है। बाप ये समझता, बेटा ये समझता है कि तेरे बाप के पास जो ये दौलत है तेरे दादा पड़दादा लकड़ दादा उनकी दी हुई है, तू तो जिंदगी भर ऐश में आराम में रहेगा, वो कमाना सीखता नहीं है। कभी कभी तो अपने बाप के जीवन काल में ही जब वो अपाहिज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता, उनके जीवन काल में ही उस मकान को, उस संपत्ति को, उस धरोहर को बेच करके मटर गश्ती में सारा पैसा लुटा देता है। इसलिए ये जो हमारी धरोहर है, जो जुल्म और अत्याचार हम पर हुए हैं, मैं इसको धरोहर कहता हूँ, ये बहुत बड़ी पूंजी है। इसी पूंजी के कारण हमें जीवन में उजाला आया है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से आया है। बाबा साहब को लोग ताना मारते हैं कि वो अंग्रेजी कपड़े पहनते थे, वो अंग्रेजी कपड़े नहीं थे, बाबा साहब की दृष्टि में इस देश के शासकों के कपड़े थे। उन्होंने कहा कि बेशक मैं गुलामी में पैदा हुआ, बेशक मैं निर्धनता में पैदा हुआ, मगर मैं अपने जीवित रहते अपने कपड़ों में कभी भी परिवर्तन करूंगा नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जब देखा कि संघर्ष का रास्ता अख्तियार किए बगैर अब कोई चारा नहीं है, उन्होंने काला राम मंदिर का सत्याग्रह किया, उन्होंने महाड़, उससे पहले महाड़ का सत्याग्रह किया, बात गांधी जी तक पहुंची कि कोई व्यक्ति भारतवर्ष में इस तरीके का आंदोलन चला रहा है। गांधी ने सोचा जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे कि कोई ब्राह्मण होगा, किसी ने बताया नहीं वो ब्राह्मण नहीं है, ढेर है। तो उन्होंने सोचा अगर ढेर है तो खिचड़ी बाल होंगे, सेव दाढ़ी बढ़ रही होगी, फटे कपड़े होंगे, लगोटा पहन रहा होगा, आंखों में डीड होगी, लार टपकती होगी, ऐसा उसने
कल्पना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में की, मगर जो भारतवर्ष में आया और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने उसको रूबरू होने का मौका मिला और उसको पता चला कि ये डॉक्टर अम्बेडकर है, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अद्वितीय व्यक्तित्व के सामने उसकी चकड़ी गुम हो गई। उसने देखा ये तो व्यक्तित्व में हिमालय की ऊंची से ऊंची, उतुंग से उतुंग चोटी से भी बड़ा ऊंचा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, इसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। साहब, उस व्यक्ति ने जो देश की शासक जातियों का प्रतिनिधि था, उसी दिन उसने अपना सूट बूट जो पहन रखा था, अफ्रीका से पहन के आया था, वो उतार करके फेंक दिया और एक षड्यंत्र के तहत, कैसे कि एक लंगोटा पहन के आया कि इन्हें सूट बूट के रास्ते पर नहीं लेके जाना, इनके लोगों को लंगोटा पहनाना सिखाना है, लंगोटा पहनाना सिखाना है, ये उसकी फैशन परेड थी गांधी की, ताकि हमारे लोग ये सब पहन सके। मगर साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों ने लंगोटा पहनना स्वीकार नहीं किया, वो लंगोटा गांधी के गले में ही पड़ गया और क्या हुआ, गांधी के चेलों ने भी गांधी की नहीं मानी। लोग कहते ना गांधी को राष्ट्रपिता, अरे कैसा राष्ट्रपिता भाई, राष्ट्रपिता के शिष्य राष्ट्रपिता के रास्ते पर नहीं चले तो कैसा राष्ट्रपिता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।